आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने इसके ब्लॉगर में। तो ये जी सुबह का टाइम है और मैं आ गई हूँ किचन में। तो आज है ये भिंडी कट कर रही हूँ मैं। बहुत दिनों से ये फ्रिज में पड़ा था तो बहुत सारी भिंडी इसमें से ख़राब भी हो गई है, जैसे ख़राब भी हो गए हैं और कड़ा भी है। तो जो नरम नरम भिंडी है उसी को कट कर रही हूँ, भुजिया बनाऊँगी। और तो बाकी तो सब मतलब यूज लायक नहीं है, वो तो वेस्टेज ही है। तो वो आया ही था ऐसा ही कि मैं देखी नहीं थी, ये फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। इसमें से कुछ दिन पहले अगर बनाई रहती थोड़ा सा तो मुझे मालूम होता कि ये कड़ा भी है इसमें भिंडी। तो इसीलिए ये अभी खोली हूँ मैं प्लास्टिक, तो इसमें बहुत सारा सड़ा और बहुत ही ज़्यादा इसमें कड़ा कड़ा भिंडी भी निकला है। तो इसीलिए ये अब रखने का कोई मतलब नहीं बनता, ये फ्रिज में ही रखा हुआ था इतने दिनों से। तो अब आज ये लास्ट ही है, सोची हूँ इसको कट करके ख़त्म ही कर दूँ, क्योंकि इसके बाद रखने से वो एकदम सड़ जाएगा, तो इसलिए अच्छा नहीं होगा। तो आज यही है, भिंडी का भुजिया बनाऊँगी और कड़ी उसमें का वो जो बरी होता है वो बनेगा, और चावल रोटी यही, और जो आगे आगे होता जाएगा वो मैं आप लोगों से शेयर करती जाऊँगी। तो और ये देखिए, जो ये फास्ट फॉरवर्ड में काम होता है तो ये मोबाइल या टीवी में ही पॉसिबल है, क्योंकि अगर रियल लाइफ में इतने फास्ट में काम होते तो सारे हाउसवाइफ का क्या ही कहने होते। फिर तो उनको मतलब मल्टीटास्किंग तो होती ही है, हाउसवाइफ एक साथ बहुत सारी काम कर लेते हैं जो मम्मी लोग होती हैं या घर में जो काम करते हैं। लेकिन ऐसे अगर ये फास्ट फॉरवर्ड में काम होता तो और भी कितना ईजी हो जाता हम लोग का लाइफ। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कमेंट में बताइएगा। तो बस ये टाइम तो बहुत लग गया था, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करने से ये है कि ये आप लोग को बड़ा ही फटाफट दिख रहा है। तो और हाँ, अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक करें। तो क्योंकि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि सब्सक्राइबर एकदम फ्री है, सब्सक्राइब करना तो आप लोग कर सकते हैं और किसी को मोटिवेट कर सकते हैं और मुझे भी मोटिवेट कर सकते हैं सब्सक्राइब करके। तो ये करिए, और ये मैं बार बार नीचे झुक रही हूँ क्योंकि भिंडी गिर जा रहा है। तो क्या है, भिंडी में वो चिपचिपापन होता है तो कोई भी बच्चे अगर आ जाएंगे तो स्लिप करके गिर सकते हैं, इसीलिए मैं उठा के उसको बार बार फेंक रही हूँ। या फिर अपने ही पैर के नीचे आ जाए तो बड़ा ही मतलब गंदा हो जाएगा, फ्लोर भी गंदा होगा, पैर भी गंदा होगा, इसीलिए उसको हटा के मैं फेंक देती हूँ। तो ये देखिए, आज भिंडी तो कट गया, अब इसके आगे का मैं बताऊँगी प्रोसेस की। सिंपल सी भुजिया बनाऊँगी और क्या ही प्रोसेस बताऊँगी इसका। और ये भी एक थोड़ा सा लंबा लंबा काट के और इसका हल्का मसाला डाल के भी बन हल्का सा सूखा बेसिक जो मसाला होता है वो भी डाल के बनता है, लेकिन वो भी कभी मैं बनाऊँगी तो आप लोग को दिखाऊँगी, शेयर करूँगी आप लोगों से। तो ये देखिए, मैं बनाऊंगी अब, एक में कढ़ी बनाऊंगी, दो कढ़ियाँ जैसा कि देखें आप लोग मैं निकाली हूँ। तो एक में कढ़ी बनेगा और एक में बनेगा ये भिंडी का भुजिया। तो यही सब है, और भुजिया में मैं ज़्यादा कुछ डालती तो नहीं हूँ, बस प्याज और हरा मिर्च और मेथी से फ़ोरन देती हूँ, और सूखे मसालों में वही नमक हल्दी और मिर्चा पाउडर, बस और कुछ नहीं डालती हूँ। जैसे कि और ये भिंडी में बहुत मसाला चलता भी नहीं है, क्योंकि इसमें जो लिबलिबापन होता है फिर उसमें बहुत मसाले में आप इसको नहीं बना सकते हैं, या ग्रेवी में भी बहुत अच्छा नहीं लगता है। ये सूखा ही सब्जी इसका ठीक लगता है, देखने में भी और खाने में भी ठीक लगता है। हम लोग के यहाँ तो ऐसे ही होता है, मतलब मुझे भी नहीं पसंद है तो इसलिए। और ये देखिए, जो कढ़िया मैं भुजिया के लिए बिठाई थी तो इसमें बस मेथी दाना डालूँगी फ़ौरन में, यही पड़ेगा फ़ौरन में। तो और आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताइएगा ज़रूर से, और अगर ऐसे बनाएंगे आप लोग तो अपना फीडबैक भी शेयर करिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, तो कोई भी बना लेगा। और ये देखिए, जो ये मिर्ची में डाली हूँ पहले भी बता चुकी हूँ कि ये हरी मिर्ची है, ये गर्मी की वजह से लाल हो गई है, क्योंकि किचन में अब तो मालूम ही है यूपी की गर्मी कैसी है। तो अगर जिसको नहीं मालूम है तो क्या बताऊँ, एक बार यूपी विजिट करें फिर आपको पता चल जाएगा। और ये इसी वजह से ये लाल हो गया है मिर्च, ये हरा ही मिर्च है, दो तीन दिन अगर किचन में रख दो तो उसका रूपरेखा ऐसा ही हो जाता है। तो ये देखिए, इसमें बेसिक से मसाले हल्दी पाउडर, मिर्चा पाउडर और नमक डाल के और कम आंच पे बस इसको भूनूंगी। तो नमक मैं थोड़ा बाद में डालूंगी, अभी बस यही डालूंगी, क्योंकि सबको पता है वो पानी फिर रिलीज कर देता है, फिर बड़ा ही मतलब मॉइस्चर आ जाता है इसमें, अच्छे से भुनता नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा वो भुन जाएगा तो फिर मैं उसमें नमक डालूंगी। तो ये ऐसे ही, और ये देखिए ये मिर्चा है जो मैं बताई हूँ कि मैं, अच्छा सॉरी नहीं बताई हूँ, मैं मिर्चा ये आज फ्राई करूँगी
बहुत ही अच्छा मिर्च आया था, तो जो बड़े बड़े से जो मिर्चे थे तो वो आए थे, देखने में बड़ा सुंदर था, तो मैं सोची इसको फ्राई करूं। और ये स्टोर कर सकते हैं आप लोग लंबे समय तक इसको फ्रिज में, बाहर भी, फ्रिज के बाहर भी हफ्ता दिन तक ये आसानी से रह जाता है, क्योंकि इसमें कोई पानी का तो यूज होता नहीं है, इसलिए ये बहुत ही लंबे समय तक चल जाता है। फ्रिज में रखेंगे तो 10 से 15 दिन आसानी से चल जाएगा, लेकिन उतना दिन मेरे ख्याल से इतना भूनने का कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान ये है तरीका ये मिर्ची फ्राई करने का, तो ये तो कभी भी कोई भी कर सकता है। सब्जी बनाने से पहले ही थोड़ा सा तेल डालकर फ्राई कर ले, क्योंकि ज़्यादा स्टोर करने का क्या ही मतलब है इसीलिए। लेकिन अगर कोई करना चाहे, बाय द वे, जो ऑफिस वाले लोग हैं जिनको इतना टाइम नहीं है कि वो हर 2-4 दिन पे करें, तो वो इसको बना के ऐसे फ्राई करके और रख सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फ्रिज में, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो ऐसे ही होता है ये। और ये जो मिर्ची है ये बहुत ही अच्छा था और तीखा भी था, देखने में तो बहुत ही शाइनिंग और एकदम फ्रेश था, लग रहा था कि हाँ तो है मिर्ची, बहुत अच्छा है ये। तो ये देखिए, इसमें मैं तेल डाली थी और फिर सीधा मिर्ची ही डाल दी थी, तेल डाल के, मिर्ची डाल के, और नमक और जो आमचूर पाउडर होता है वो डालना होता है। तो तेल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि वो तेल ही में फिर आमचूर पाउडर डालने पे फिर वो अंदर मिर्चा में जैसे वो सोखता है मिर्चा, और फिर ऊपर से जब ये निकाल देंगे, देखिए कटोरी में निकाल रही हूँ, फिर ऊपर से मैं इसमें हल्का सा नमक और नींबू भी डालूँगी, तो क्या है थोड़ा सा और ज़्यादा इसमें, थोड़ा सा नमक इसमें ज़्यादा जाता है और नींबू भी, खट्टा भी, क्योंकि फिर ऐसे तो सिर्फ मिर्चा का टेस्ट आएगा, अच्छा नहीं लगेगा वो। तो भैया देखिए, देखिए मिर्चा साइड में गिर गया था, तो ये है ये मिर्चा। और ये देखिए, मैं आ गई थी किचन में, अभी ये दोपहर का टाइम था खाना का, लेकिन ना आज हस्बैंड जी को फिर अभी ये था कि बस भिंडी का भुजिया तो नहीं चलेगा, उनको नहीं खाना था, उनको अब प्याज का पकौड़ी खाना था। मैं कढ़ी बनाई थी लेकिन उसका मैं रेसिपी नहीं सूट की हूँ, क्या फ़ायदा, फिर मैं बहुत बार ये तो कर चुकी हूँ रेसिपी इसका सूट, कढ़ी का कितनी बार करूँ। आप लोग अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो में जाके देखें पीछे, तो वो बहुत सारे, मतलब बहुत बार मैं कर चुकी हूँ उसे यार ये। और ये देखिए प्याज का पकौड़ी, तो प्याज के पकौड़ी में बस मैं प्याज और हरा मिर्च धनिया यही सब डालूँगी, और नमक हल्दी और बेसन, सिंपल सा बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा मसाला वाला ये हम लोग को नहीं अच्छा लगता है, ये सिंपल में ही, ये खुद ही तला भुना है, इसमें कितना ही मसाला डालें, तो इसीलिए अपना अपना पसंद होता है, बहुत लोगों के बहुत तरीके होते हैं बनाने के। तो ये दोपहर का टाइम है, मेरे ख्याल से 1 या 1.5 बज रहा था, तो हस्बैंड जी का फरमाइश आया कि नहीं भाई बस उससे नहीं काम चलने वाला है, थोड़ा सा कुछ और भी बन जाए तो अच्छा है। तो फिर बनाना ही था, क्योंकि बच्चों को भी पकौड़े बहुत ही पसंद है, तो मैं सोची वो भी स्कूल से आएंगे तो मन से खाएंगे, इसीलिए बना दी हूँ मैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि दोबारा तिबारा भी बनाना पड़ जाता है सबके फरमाइश के हिसाब से, क्योंकि एकदम वही नहीं चल पाता है जो मतलब बनाए होते हैं हम लोग, कि नहीं यही खा लें, ऐसा कभी कभी नहीं होता है। वैसे तो मैं जो बनाती हूँ वो लोग खाते हैं, क्योंकि मैं वही बनाती हूँ जो उन लोग को पसंद होता है, लेकिन कभी कभी नहीं चलता है, उनकी अपनी भी डिमांड होती है भाई बच्चों के, पतिदेव के, तो इसीलिए मैं वो बना देती हूँ। तो देखिए अभी ये बनाने लगी थी मैं प्याज का पकौड़ी, तो ये बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाई थी, थोड़ा ही बनाई थी, 4 ही जने तो हैं तो कितना ही बनाऊंगी मैं, और सब लोग का खाना पीना हो गया था, मीन्स ऐसा नहीं है कि बस मैं ही अकेले ही खा लेती हूँ, जिठानी लोग को भी देती हूँ, लेकिन अभी ये दोपहर का टाइम था तो सब लोग का खाना पीना हो चुका था, तो और फिर मैं ज़्यादा ऐसा कुछ बनाई भी नहीं थी, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि हर बार ही दूँ। हाँ लेकिन कुछ ऐसे बनाती हूँ जैसे कि इडली डोसा, ये सब कुछ खास बनाती हूँ तो मैं दे देती हूँ, और वो लोग भी देती हैं, मैं शेयर भी करती हूँ आप लोगों से, जो मैं नहीं बनाती हूँ मैं बताती हूँ कि मेरी जिठानी दी हैं चाहे जो भी। और ये है आज दोपहर का खाना हम लोग का, तो ये गोल वाला पराठा मैं बनाई थी, चावल कढ़ी गोल वाला पराठा, आलू टमाटर की सब्जी, और ये पकौड़ी है, और ये भिंडी का भुजिया, और वो हरा मिर्चा भुना हुआ। तो बस आज मेरा यही तक का था वीडियो, और आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, मेरा काम अच्छा लग रहा है, तो अप्रिशिएट कीजिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और पूरा देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।